क्वेश्चन नंबर टू, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल सीट. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम. ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, कह रहे कि ये सिलेंडर जो है ये क्लोज्ड सिलेंडर है. क्या सिलेंडर है? क्लोज्ड सिलेंडर है. इसको बनाने के लिए आपको कितने मीटर स्क्वायर मेटल सीट की रिक्वायरमेंट, कितने मीटर स्क्वायर सीट्स की जरूरत होगी? तो देखिए, इसका आपको क्लोज्ड सिलेंडर का एरिया बताना है. तो इसकी हाइट दे रखी है, हाइट 1 मीटर, या फिर आप बोल सकते हो 100 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर इसको आप मीटर में निकालते हो तो आपको मीटर में यूनिट रखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में निकालते हो तो आपको यूनिट सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा. दोनों यूनिट आपको सेम रखना होगा. ठीक है, अच्छा, इसका डायमीटर रेडियस कितना गिवन है? रेडियस गिवन है 140 सेंटीमीटर. अगर इसको आप मीटर में बनाते हैं, 140 सेंटीमीटर बाई 2, क्योंकि इसको आपको निकालना पड़ेगा 70 सेंटीमीटर, और मीटर में अगर आप निकालते हैं तो 0.7 मीटर आएगा. तो आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू 2πr h प्लस r. 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.7 मीटर, 0.7 मीटर इंटू हाइट कितनी हो जाएगी 1 मीटर. हाइट कितनी हो जाएगी 1 मीटर, क्योंकि मैं जिस निकाल रहा हूं इसको मीटर में निकाल रहा हूं तो मैं मीटर की यूनिट रख रहा हूं. अगर मुझे सेंटीमीटर में निकालना होता तो मैं सेंटीमीटर की यूनिट रखता. इसको जब आप क्रॉस करेंगे, इसको आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, इसको आप काट देंगे तो ये 7 बन जाएगा 7, और ये कट जाएगा. इसे काटेंगे तो आप कितना बचेगा इधर 5, आप इसको काटेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 5 4 20, और 2 बचेगा 5 4 20, ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर. इतने मीटर सीट की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायर्ड फॉर मेटल सीट टू मेक टैंक इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर.